श्रीदेवी का दुबई के एक होटल में 24 फरवरी की रात बाथटब में डूबने से दुखद निधन हो गया था, जो कि अभी तक एक रहस्य बना हुआ था कि आखिर बाथटब में गिरने से उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कई तरह की कहानियां मीडिया ने बनाई, लेकिन उनसे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। आखिर उस रोज होटल का कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ, जहाँ श्रीदेवी दो दिन से ठहरी हुई थी। फिल्म समीक्षक कोमल नहाटा ने श्रीदेवी के पति बोनी कपूर से हुई बातचीत के आधार पर बताया है कि आखिर उस दिन श्रीदेवी के साथ कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस रात की पूरी कहानी, जो कि बोनी कपूर ने खुद बताई है। बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी वापस भारत आ गए और श्रीदेवी वही दुबई में रुक गयी। कोमल ने बताया कि श्रीदेवी के पास शॉपिंग करने के लिए एक लंबी लिस्ट थी जो उन्हें बेटी जानवी ने दी थी। ये लिस्ट उनके मोबाइल फोन पर सेव थी। श्रीदेवी 21 फरवरी को शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन उनका ये मोबाइल किसी दूसरी जगह छूट गया था। इसके बाद श्रीदेवी पूरे दिन होटल में आराम करती रही। 22 फरवरी को उन्होंने दोस्तों के साथ वक्त बिताया, होटल में आराम किया। उसके बाद 23 फरवरी को भी उन्होंने होटल में ही आराम किया। इधर बोनी कपूर ने श्रीदेवी को दुबई पहुंचकर सरप्राइज देने का प्लान बनाया। बोनी ने बताया कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि पापा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, श्रीदेवी बोनी को इसी नाम से पुकारती थी, मैंने कहा कि मैं भी तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ। मैं श्रीदेवी से दुबई में शाम को मिलने वाला था। जानवी ने भी मेरे इस फैसले का समर्थन किया। हालांकि वह श्रीदेवी को लेकर डरी हुई थी, क्योंकि श्रीदेवी अकेली रहेंगी तो वह पासपोर्ट व अन्य चीजें इधर उधर कर देंगी। बोनी कपूर ने कहा कि मैंने दुबई के लिए 3:30 बजे की फ्लाइट बुक की। श्रीदेवी ने मुझे उस समय कॉल किया जब मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में बैठा था। मैंने कहा कि मैं मीटिंग में हूँ और मेरा फोन स्विच ऑफ हो सकता है, वह परेशान ना हो, मैं उसे मीटिंग के बाद फोन करूँगा। मेरा प्लान उसे सरप्राइज देने का था। बोनी कपूर 6:20 पर दुबई के उस होटल में पहुंच गए। बोनी ने चेक इन की औपचारिकताएं पूरी की और श्रीदेवी के रूम की डुप्लीकेट चाबी ली। बोनी श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए काफी उत्साहित थे। बोनी ने कहा कि हम दोनों खुशी खुशी उत्साह के साथ मिले। उसने कहा कि उसे आभास हो गया था कि मैं उसे दुबई लेने आऊंगा। बोनी और श्रीदेवी करीब आधे घंटे तक बातचीत करते रहे। इसके बाद बोनी फ्रेश होने के लिए चले गए। उन्होंने श्रीदेवी से कहा कि वह उन्हें रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते हैं, साथ ही शॉपिंग पोस्टपोन करने को भी कहा। इसके बाद श्रीदेवी नहाने चली गई। बोनी ने बताया कि मैं लिविंग रूम में गया और श्रीदेवी बाथरूम में नहाने के लिए तैयार होने चली गई। मैंने करीब 15 मिनट तक टीवी देखा। मैं बेचैन हो रहा था कि मुझे ख्याल आया कि आज सैटरडे है, रेस्टोरेंट में काफी भीड़ होगी। उस समय दुबई के समय अनुसार 8 बज रहे थे। मैंने श्रीदेवी को दो बार आवाज लगाई, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। मैं बाथरूम के पास गया और दरवाजा खटखटाया। मैं परेशान हो गया क्योंकि अंदर से कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। बाथरूम से सिर्फ नल से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने और जोर से आवाज लगाई। इसके बाद मैंने देखा कि दरवाजा अंदर से ही बंद नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और पाया कि श्रीदेवी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। वो सिर से पैर की उंगलियों तक पानी में तर थी। मुझे अभी भी नहीं पता था कि क्या हुआ है, क्योंकि बाथटब के बाहर पानी की एक बूंद भी नहीं थी, इसलिए इसका कोई भी चांस नहीं था कि उन्होंने अपना हाथ या पैर चलाया हो। बोनी कपूर की यही कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने अपने बयान में भी कही थी। श्रीदेवी के निधन से पूरा देश सदमे में था, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी श्रीदेवी की मौत एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें।